दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी यूनाइटेड स्टेट्स में फिलहाल अगले प्रेसिडेंट की वोटिंग चल रही है और इस बार काफी टक्कर का मुकाबला है, माने कि कौन प्रेसिडेंट बन सकता है कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जब इतनी बड़ी इकोनॉमी में इतने बड़े इलेक्शन चल रहे होते हैं तब ग्लोबल इकोनॉमी पर भी काफी इन्फ्लुएंस पड़ता है। और अगर हम बात करें अपनी इकोनॉमी यानी इंडियन इकोनॉमी की, स्पेशली इंडियन शेयर मार्केट की, तो वो भी बहुत हद तक प्रभावित होती है इस नतीजे से। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कौन सी वो कंपनीज हो सकती हैं, कौन से वो सेक्टर्स हो सकते हैं जिन पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा या डाला जा सकता है आने वाले यूएस प्रेसिडेंट की ओर से। दरअसल दोनों पार्टीज की इकोनॉमिक पॉलिसीज काफी अलग रहती हैं, जिससे नई सरकार बनने पर सेक्टर में बिजनेस और खासकर इम्पोर्ट्स में बड़े बदलाव आ सकते हैं। यहाँ जानना जरूरी ये है कि इंडिया बायलेटरल ट्रेड में यूनाइटेड स्टेट्स सबसे बड़ा पार्टनर है। यूनाइटेड स्टेट्स को साल 2023 में लगभग 78.31 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया था, जबकि इम्पोर्ट्स लगभग 50 बिलियन डॉलर रहे। यानी कि इंडिया के लिए ये कंट्री सरप्लस कंट्री है। सबसे पहले आईटी सेक्टर आता है। डेमोक्रेटिक की जीत से यूनाइटेड स्टेट्स कॉर्पोरेट टैक्सेस के बढ़ने की उम्मीद है, जिससे आईटी कंपनीज के बिजनेसेस पर असर पड़ेगा। इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी की जीत से चाइनाज एमएफएन यानी मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस भी हट सकता है, जिसके बाद टैरिफ में बढ़ोतरी होगी और ऐसे में इंडियन आईटी कंपनीज को भी इसका फायदा होगा। कह सकते हैं कि इंडियन आईटी कंपनीज जैसे इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसी और भी कई कंपनीज हैं जो इससे काफी प्रभावित होने वाली है। वहीं अगर यूनाइटेड स्टेट्स में स्लो डाउन आएगा तो जॉब से लेकर बिजनेसेस में भी असर पड़ेगा। इसके बाद आता है एक और बहुत बड़ा सेक्टर, विच इज ऑयल एंड गैस सेक्टर। ट्रंप सरकार बनने पर यूनाइटेड स्टेट्स में ऑयल एक्सप्लोरेशन बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस गिर सकते हैं। ऐसे में इंडियन कंपनीज जैसे HPCL, BPCL, IOC और ONGC के मार्जिन बढ़ेंगे। ऐसे में इनका शेयर परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को हो सकता है। अब आएगा तीसरे नंबर पर टेक्सटाइल सेक्टर। अब इस सेक्टर की बात करें तो ट्रंप की जीत से चाइना पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगे, जिसका फायदा डायरेक्टली इंडियन कंपनीज को ही होगा और इसके साथ ही चल रहे बांग्लादेश क्राइसिस से भी इंडियन कंपनीज को काफी फायदा हो सकता है और एक मौका भी मिल सकता है। कंपनीज जैसे कि अरविंद लिमिटेड, आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रेमंड लिमिटेड, बॉम्बे डाइंग एंड लॉयल टेक्सटाइल मिल लिमिटेड, ये कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स आपको पैसे बनाने के अच्छे मौके दे सकते हैं। इसी केस में एक और केस बांग्लादेश से भी जुड़ा है, जहां मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कम होने का फायदा भी भारत को मिल सकता है। ट्रंप के जीतने के साथ एक और उम्मीद बताई जा रही है कि फेडरल रिजर्व रेट्स में भी कट नहीं होगा और अगर ऐसा होता है तो अगेन इंडिया के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ सकती है, जिसकी वजह से RBI का रेपो रेट डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा और अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि आपकी EMIs यानी आपकी हर महीने की किश्त, अब चाहे वो किसी भी लोन की हो, वो शायद थोड़ी सी बढ़ सकती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। अब होगा क्या अल्टीमेटली वो पता चलेगा जब US प्रेसिडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अल्टीमेटली कौन प्रेसिडेंट बनता है, किसकी पार्टी की जीत होती है, किसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज इंडिया के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी, ये सब पता चलेगा एक बार रिजल्ट आने के बाद। इसलिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की और खबरों के लिए आप चैनल पैसा लाइफ को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।